हेलो प्यारे बच्चों, आज का वो जो नया टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक कोई खास नहीं है। मैं किसी कंटेंट पे बात नहीं करने वाला आज। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप किस तरीके से क्लास ट्वेल्थ में आने के बाद केमिस्ट्री की शुरुआत करें। और केमिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए आपको ये बहुत ख्याल रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। फॉर खासकर आप देखें तो आप गौर करें सीबीएसई एग्जाम के लिए या प्लस टू एग्जाम के लिए या फिर मान लीजिए आपके जेई मेन्स के एग्जाम और इवन नीट एग्जाम के लिए। तो खासकर मेरा आज का वीडियो जो है बेसिकली इस टॉपिक पे है कि हाउ टू स्टार्ट द केमिस्ट्री व्हेन वी रीच द क्लास ट्वेल्थ। आप इलेवंथ को पास करते हैं जैसे तैसे, मुझे पता है बहुत डिफिकल्टीज होती है शुरुआत में, बट जैसे ही आप क्लास ट्वेल्थ में आते हैं तो आप कैसे केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। वो बात ये करना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। देखिए बेसिकली केमिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट कहलाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जो स्टार्टिंग का पार्ट है। इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट दिखाई देगा, सेकंड चैप्टर की बात दैट इज द सॉल्यूशन नजर आएगा आपको, और थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ पार्ट में यहां पे नजर आएगा आपको केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ पार्ट में यहां पे सरफेस केमिस्ट्री। इन ये सारे फिजिकल के चैप्टर हैं। इस पे ख्याल रखिएगा कि अभी नए सिलेबस में भी डिसाइड नहीं हुआ है कि सॉलिड स्टेट क्या होगा, बट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री प्री डिसाइडेड है, पहले से ही चला रहा है। पिछले प्रीवियस ईयर में भी ये सारे चैप्टर्स अभी पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं बच्चे जो क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके हैं। इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप देखें तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, ये सिर्फ तीन ऐसे चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं बस, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में मेरा मानना है कि पहले फिजिकल की शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत में हमारा पूरा फोकस न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पर कोशिश कीजिए। आप हमेशा कोशिश करें कि इसमें एनसीईआरटी की किताब पहले कंसल्ट करें, फर्स्ट बुक जो आपकी होगी एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करें, उसका सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, मैंने एक्सरसाइज तक पूरा करना है। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी लेना है, ड्यू टू अभी नया सिलेबस जो आया है उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का ये करता है, ये भी 5 मार्क्स लेते हैं कम से कम, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन। ये प्योरली थियोरेटिकल पार्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री, थ्योरेटिक इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल सिर्फ 3 चैप्टर में मिलेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में ये ख्याल रखना है कि आप एनसीईआरटी से बेस्ट अच्छी कोई किताब नहीं है इसके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही कंसल्ट करें इसके लिए। इसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बना सकते हैं अदर बुक से लेकर के, आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जो खासकर देखा गया है, जो ऑनली आपको एमसीक्यू मिलते हैं, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन वाले जो आपके पास गिवन है करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन वाला पोर्शन आप ले, और साथ में इसमें से assertion reason जरूर करें आप। ये चैप्टर के साथ चलते रहना चाहिए आपको। अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट किया, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे आए। एग्जाम्पल जैसे आप कंप्लीट करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप 60-70% नीट एग्जाम एज वेल एज द आईआईटी जेई मेन्स एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। 60-70% के राउंड में कहता हूं इसमें, इसके जरिए आप एमसीक्यू करेंगे 60-70% आप सिलेबस कवर कर लेते हैं आसानी से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें सॉल्यूशन में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉर्मूला थोड़ा बहुत नए ऐड करने पड़ेंगे, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आते हैं ये हमारा फिजिकल का पोर्शन है, बस जैसा मैं बता रहा हूं आप इसी तरह से लेकर चले, आपको बहुत मजा आएगा। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें अच्छे तरीके से, कोई भी आप साइट से कहीं वेबसाइट चेक करेंगे सबसे पहला काम एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी फर्स्ट प्राइम बुक है आपकी, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से अच्छी किताब शुरुआत करने के लिए अच्छी कोई बुक नहीं है। बाकी आगे प्रैक्टिस के लिए आप ओपी टंडन है, बहुत सारी किताबों के नाम पता है मुझे, बाकी बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी आपका पहला प्राइम फोकस एनसीईआरटी पर होना चाहिए। सेकंड पार्ट में आएंगे, दैट इज कॉल्ड, दिस वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट 1 में ही प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सेकंड पार्ट कहलाता है केमिस्ट्री का, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक दिया हुआ है जो करीब 3 मार्क्स का आता है. एनसीईआरटी काफी सफिशियंट है हर एग्जाम के लिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसके लिए नहीं है आपके लिए. सेकेंड पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट. थर्ड पार्ट थर्ड ऑफ नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड फोर्थ पार्ट में आपको मिलेगा इसमें डी एंड एफ के बाद पी ब्लॉक के बाद आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये टोटल 4 चैप्टर है तकरीबन, समझिए ये 8 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, ये तकरीबन 6 मार्क्स के आते हैं, ये 3 मार्क्स का. ये जो मैं बात कर रहा हूं मार्किंग, ये ओनली फॉर सीबीएसई एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं. वहीं कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका वेटेज बढ़ जाता है. एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में या जेई एग्जाम में कम से कम आएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़े कम आएंगे, बट नीट और जेई में इसके एग्जाम के वेटेज बढ़ जाते हैं. इसकी पढ़ाई मुझे लगता है कि सबसे लास्ट में करनी है आपको, शुरुआत में नहीं. कुछ केमिकल रिएक्शन से उसके टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक्स की बात में आगे आने अपकमिंग वीडियो जब क्लासेस शुरू करूंगा इस टॉपिक पर तो मैं बनाना उसमें क्लियर करूंगा. लास्ट में आप सबसे आखिर में इसको पढ़ें. शुरुआत में फिजिकल से करना है, इनऑर्गेनिक से नहीं करना है, शुरुआत हमेशा फिजिकल से करें. थर्ड पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए अगर यहां पे तकरीबन इसमें मैं कहता हूं पार्ट टू जो है एनसीईआरटी, पार्ट टू एनसीईआरटी ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है लिटिल बिट. बट कोर ऑर्गेनिक की बात करें तो पहला चैप्टर आपको यहां मिलेगा हेलो एल्केन चैप्टर नंबर 10, यहां चैप्टर नंबर 9 मिलेगा आपको डीएनएफ 8 नंबर पे, ये आपका 7 नंबर पे, ये आपका 6, बाकी 1 2 3 4 5 मैंने बता दिया फिजिकल में था. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इलेवन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है फिर आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर. ट्वेल्व की बात करें हम यहां पे तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. और 13 की बात करें तो आता है आपका एमिन्स. ये कहलाते हैं कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कोर का मतलब क्लासिकल, कोर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक की शुरुआत आप डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके लिए इसकी शुरुआत पहले आप क्लास 11 से करेंगे. तो जब भी आप इसकी स्टडी जब शुरू करें तो शुरुआत क्लास 11 से करें. वहां 2 चैप्टर दिया है, तो सम बेसिक दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट या जिसे हम कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट या जिसे हम कहते हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस एक हाइड्रोकार्बन. जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो पहले इस चैप्टर को खत्म करें, पहले पढ़ें अच्छे तरीके से. खासकर जीओसी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जब जीओसी स्ट्रांग हो तो आपको बड़ा मजा आया करने में, वरना अगर ये जीएससी कमजोर है 11th क्लास को तो ये बहुत दिक्कत आपको आने वाली है. मैं आपका भी वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करनी चाहिए. फिलहाल मैं सिंपल अभी समराइज कर रहा हूं पूरे चैप्टर को कि कैसे आप कर सकते हैं. 14 नंबर पे आएंगे चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स, जो प्योरली थियोरेटिकल है. इसमें कोई भी ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत है नहीं है इसमें ज्यादा कुछ. ये तकरीबन 5 नंबर का. नंबर वेटेज की बात करें तो हेलो एल्केन्स तकरीबन आपके 4 नंबर के आते हैं, एल्कोहल फिनॉल 4 नंबर के आता है, ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन का 6 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का. कुल मिला के कोर ऑर्गेनिक आपको 18 मार्क्स का मिलेगा. बाकी अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स 5 मार्क्स के आते हैं, और अगर हम 15 पे आ जाए, अब जो नया पार्ट आया बड़ा दिक्कत कर रहे बायोमॉलिक्यूल्स 5 मार्क्स के आते हैं. उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर. पॉलीमर अप्रोक्सीमेट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 16 नंबर पे आते हैं केमिस्ट्री लिमिटेड लाइफ. ये केमिस्ट्री लिमिटेड लाइफ तकरीबन ये भी 3 नंबर के. देखिए इनके लिए भी मुझे लगता है कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़. अब रहा सवाल कि अगर आपको सीबीएसई एग्जाम के लिए, मैंने कहा सीबीएसई के लिए बताया, इवन की जेई मेन्स में भी अगर आप चले जाएं या नीट के लिए काफी है, तो ये 3 चैप्टर यहां पे आपको दिख रहा है. बाकी अगर पीछे आके देखो तो पी और डी मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी से देखिए आप, एक्सट्रैक्शन भी एनसीईआरटी से जेई मेंस और नीट के लिए. अब रहा सवाल जेई मेंस और सीबीएसई के लिए बताया, जेई मेंस के लिए बताया मैंने.
अगर मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जेई मेन्स और जेई एडवांस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल अप हो जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक ओपी टंडन वगैरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अगर आप वो चीज कर पाएंगे तो शायद जेई मेन्स को कवर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने समराइज किया चैप्टर को, तो शुरुआत आपको याद हमेशा रखना है फर्स्ट फोकस टुवर्ड द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उसको आप क्लियरिफाई करके पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, फिजिकल को फर्स्ट पार्ट में खत्म करना चाहिए। सेकंड पार्ट में हम चाहे तो ऑर्गेनिक में आ सकते हैं, बिकॉज इट इज टाइम टेकन, क्लास 11th में अच्छा खासा ऑर्गेनिक का पार्ट जीओसीएल में दिखता है। उसके बाद आप चाहे तो आ सकते हैं पी और डीएफ पे, और बीच बीच में आप बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स को ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे को कहते हैं हर जगह ही पढ़ते हैं, बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर लास्ट में कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्कोरिंग है और डायरेक्ट आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसलिए पहला मेरा जहां तक मानना है कि मैं ऑर्गेनिक से ज्यादा वेटेज मैच लेता हूं, वजह इसकी कि इस पे कमांड करना मुश्किल है, इस पे कमांड करना आसान है। इसलिए आपको कि मार्क्स लाने हैं, आपको मार्क्स स्कोर करना, हाउ टू गेट द 90% मार्क्स, 90 प्लस, उसके लिए आपको इस पोर्शन को बहुत स्ट्रांग करना है, खासकर इन तीनों चैप्टर को बहुत स्ट्रांग करके चलना है, एक्सट्रैक्शन को बहुत स्ट्रांग करके चलना है, पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीएनएफ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आप चाहें तो आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं हाउ टू स्टार्ट द केमिस्ट्री। तो शुरुआत हमेशा फिजिकल से करें, फिजिकल के बाद आप जाएं फिर ऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक के बाद आप इनऑर्गेनिक पे आएंगे। इस तरीके से आप जो है अपने केमिस्ट्री को ग्रेजुअली स्लोली आप स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं, यहां तक मुझे लगता है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं, अगर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से 90 प्लस स्कोर सीबीएसई एग्जाम भी कर सकते हैं और जेई मेन्स भी स्कोर और इवन नीट में भी एग्जाम में आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और हमेशा पहला चीज याद रखिएगा, इन सब के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, नया सीबीएसई पैटर्न बहुत बदल चुका है, उस हिसाब से आपको ख्याल करना है। आई होप कि मैंने आपको कुछ बातें अपनी बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा और इससे बेटर तरीके से आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप अगर समझ पा रहे हो, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस करें।